ये मैं अभी फाइनलाइज करने लगा हूँ, तो ये सेकंड वीडियो है। ये मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट के, ये जो बेल पेपर है या स्वीट पेपर जिसे कहते हैं, और साथ ही ये ग्रीन ओनियन है, ये रेड ओनियन है, जो मैंने ये सिरके में से, ये विनीगर में से निकाल लिया है, और ये बाकी विनीगर जो है मैं फेंक दूंगा। ये मैंने मटर भी डाल दिए, मैं छोटा छोटा काट के, ये अंडे, आलू और ये गाजरें, और ये अब स्टीम हुआ तो ये मैंने निकाल लिया। अब ये मेयोनेज जो है, ये मैं थोड़े से इसको, मैं ये थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, अभी इस पे मैं रखूँगा इसको, और ये थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच के जो टेबल स्पून है उसके मुताबिक इसको मैंने तकरीबन अंदाजे से ही डाला है, कोई इसमें नहीं, वो ज़्यादा कम भी हो सकता है। और ये जो सॉल्ट है, ये मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगा, छिड़क दूंगा इसके ऊपर, तो ये भी कम ज़्यादा हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है अभी, ये क्योंकि इसमें कोई पहले नमक नहीं डाला हुआ, तो इसको मैं टेस्ट करके उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्ची छिड़क दूंगा जब ये मिक्स हो जाएगा पूरी तरह। तो इसका नमक मैं टेस्ट करूंगा, और अगर ये मेयोनेज़ और थोड़ा ये ऑलिव ऑयल जो है ये थोड़ा चाहिए होगा तो और डाल दूंगा। ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मुझे थोड़ा और डालना पड़ेगा। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है, ये जो आलुओं का सालन, पोटैटो सालन भी कहते हैं, आलुओं का सालन भी कहते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल डिश है। अगर अंडे नहीं डालें, कुछ लोग अंडे नहीं खाते, तो वो अंडे के बगैर भी कर सकते हैं, और जो कुछ लोग प्याज नहीं खाते वो प्याज के बगैर भी कर सकते हैं, तो ये सब वो कम और ज़्यादा हो सकती है कोई भी चीज़ इसमें। तो बेसिकली ये इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर काली मिर्ची छिड़क के ये तैयार हो जाएगा, सिर्फ मैंने नमक चेक करना है बाद में। तो ये मैं इसको अभी शॉर्ट रखूँगा,